किस्सा एक ऐसे हॉस्टल का सुनाने जा रही हूँ जहाँ बहुत सी हीरोइंस रहती हैं, कुछ नई और कुछ पुरानी। लेकिन इस हॉस्टल का एक नियम है कि दिन भर में कोई कहीं भी जाए मगर रात 8 बजे के अंदर सबको हॉस्टल में आ जाना है। एक दिन गुप्त सूत्रों से वहाँ की वार्डन मनोरमा चाची, सीता और गीता की, जिसने हेमा मालिनी से लेकर वाटर की चुईया तक को नचाया, एक दिन जब उसे पता चलता है कि कोई भी हीरोइन रात 8 बजे आती ही नहीं है। रात के जैसे ही 12 बजते हैं मीना कुमारी नशे की हालत में लहराती हुई आती हैं। अब देखिए मनोरमा गुस्से में पागल बैठी हैं। आय हाय, आ गई मेरी चित्रगुप्त की चित्रलेखा, ये बता कलमू ही किसके साथ मुंह काला कर आई है? नशेड़ी मेरी बोतलों पर हाथ साफ कर कहाँ चली गई थी? या खुदा है परवरदिगार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूँ? नहीं चाची, नहीं, मैंने नहीं पी है। आय हाय कमबख्त, मुझे तेरे सारे अड्डे पता हैं, चौपाटी पर बैठकर पी होगी। नहीं चाची नहीं, चौपाटी पर तो मैं नारियल पानी पी कर आई हूँ, वो भी धर्म जी ने माँ कसम कहकर जिद कर दी थी। आय हाय, वो कुत्तों का खून पीने वाला कब से नारियल पानी पीने लगा? नहीं चाची, ये खुदा है परवरदिगार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ मरूँ? आय हाय कल मुँह ही अंदर जाकर मर जा। बहुत बढ़िया, पहली दफा हुआ है जब मीना कुमारी की आवाज़ किसी ने निकाली, और क्या कमाल निकाला है आपने। थैंक यू। मीना कुमारी जाती हैं सामने से शर्मिला टैगोर, इतनी रात गए सर्दी में क्या कर रही हो आंटी? कम बखत, इतनी बार कहा है आंटी मत कहा कर, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 100 में 40 ही तो कम हूँ। ये बता सवेरे से कहाँ थी तू? सवेरे ड्रेस डिजाइनर के पास गई थी, पहले ब्लाउज पर कैंची चलवाई। आय हाय कल मुही, और शाम में क्या किया? शाम में ब्यूटी पार्लर गई थी, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, फिर उन पर कैंची चलवाई। आय हाय कमीनी, अब सवेरे दफ्तर जाएगी, वहाँ सेंसर की कैंची चलाएगी। उसके बाद रात के 2:30 बजे राखी सामने से आती है। आ गई मनहूस, इसकी तो शक्ल ही देखो तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आय हाय मंदिर गई थी, कौन से पुजारी से टाका भिड़ाने गई थी? पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, ना मालूम कहाँ चले गए हैं, उनके लिए हवन करवाने गए थी। क्या बात है, हवन करवाने गई थी, नाम है राखी, भाई का पता नहीं, बेटे हैं करण अर्जुन, मगर पुनर्जन्म के लिए तरस रहे हैं। आज पिताजी भी गुम कर दिए, चल निकल यहाँ से, कभी काली साड़ी कभी सफेद साड़ी, तेरा चरित्र मुझे पवित्र नहीं लगता है। मेरा दमन पाक साफ है। अरे चल निकल अभी अंदर। सामने से ऐश्वर्या राय। आए हाय, अभी अभी तेरी नई नई शादी हुई है, इतनी रातों को जाती है, कहीं कुछ हो जाए, अगर तू मर जाए तो क्या होगा? मर जाती तो मर जाती है, आपका क्या जाता? मर जाती मेरा क्या जाता? ये कीमती गहने, ये कीमती साड़ियाँ, इतनी बार का है, अलमीरा में रख दूंगी, ला ये मुझे दे दे। ना बाबा ना, 2 लाख के गहने 4 लाख की साड़ी ऐसे कैसे दे दूँ? क्या बात है, अफरीन। आए हाय कमबख्त, तो अपना डाइटिंग चार्ट ही दे दे, तेरी जैसी फिगर पाने की फिक्र में मरी जा रही हूँ। कहाँ गई? देखा वो भी गायब हो जाता। एक आदमी थिएटर के मैनेजर के पास आया और उसे बोला, मेरी वाइफ तुम्हारे सिनेमा हॉल में किसी पराए मर्द के साथ पिक्चर देख रही है, अनाउंसमेंट करके उसे बाहर निकालो। मैनेजर ने अनाउंसमेंट कर दिया, शेखर जी 5 मिनट के अंदर आधा हॉल खाली। मैं तो पिछले दिनों चंबल गया, सोचा कुछ डाकुओं से मिलूंगा, एक भी नहीं दिखाई दिया। एक आदमी मिल गया, मैंने कहा भाई साहब आजकल यहाँ डाकू नहीं रहते,
उसने कहा नहीं, अब उन सब डाकुओं का हो गया है प्रमोशन, क्योंकि चंबल में भी हो गया है इलेक्शन। सिद्धू जी ऐसे ही एक भूतपूर्व डाकू आजकल मंत्री हैं। पहले पुलिस से भागते फिरते थे, आजकल उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी संतरी हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, नेताजी आप में इतना बदलाव कैसे आया? वो बोले काहे का बदलाव, पहले डाकू था, कपड़ों का रंग काला था, अब एकदम जग सफेद उजला है। दोस्त काम वाम नहीं छोड़ा, काम करने का तरीका बदला है। संसद में एक आदमी बैठा था, बार बार डिमांड कर रहा था मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुल बनवाओ। बाजू में ऐसे समझदार आदमी बैठे थे सिद्धू जी जैसे, उन्होंने कहा तेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नदी ही नहीं है, पुल कहाँ बनवाएगा? वो बोला कोई बात नहीं, इस बजट में पुल बनवा लेते हैं, अगली बजट में नदी भी बनवा लेंगे। नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस जाते तो लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते, और गनीमत है कि उस पर किसी की हुकूमत चल नहीं सकती, वरना तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। मोंटी के पापा का गैरेज है, इनके गैरेज की खास बात यह है कि वहां जितने मैकेनिक हैं वो आपस में गाड़ी का नाम नहीं लेते, गाड़ी के मालिक का नाम लेके गाड़ी को बजाते हैं। आपस में बात जब करते हैं तो ऐसी बात करते हैं, ए हरदीप ये एक एंगल को देख, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ये उधर कौन खड़ी है, ये कौन खड़ा है? बोले सर राखी सावंत है। क्या हो गया? बोले ब्रेक फेल। सेठ बोलता है एक काम कर, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया था, ये तुषार कपूर को यहां मत लाया करो, चार बार इसकी कंप्लीट ओवरहॉलिंग करके छोड़ा है, ये फिर भी पिकअप नहीं पकड़ रहा है। और दलजीत इधर आ, तुझे मैंने समझाया था ना, ये सलमान खड़ा है, कम से कम इसकी सीट को तो कवर चढ़ा दे। इतने में सारे के सारे मैकेनिक बाहर की तरफ देखने लगते हैं, शेखर जी सब के सब बाहर को निकल के देखा, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सेठ बोला टेंशन मत लो, अमिताभ बच्चन आ रहा है, अभिषेक को टो करके ला रहा है। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तुझको भी नहीं मालूम, जो तय हुआ था वो तू भूल गया। तुझको मालूम नहीं, अपने हिस्से के लड्डू लिए घर चला गया, पहले पैसे भी नहीं मिलते थे। मेहदी हसन मेहनती गुलूकार, जब भी गाया मेहनत से गाया, बहुत मेहनत से। मुश्किल मुश्किल शक्लें बनाते हैं। ये मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके गाते हैं ना, जिन्होंने नया टीवी लिया होता है वापस कर जाते हैं, यार कल टीवी लिया, आज ट्रैकिंग आ रही है, हमें नहीं चाहिए ये टीवी। गुलों में ये आग चलती रहती है, गुलों में ये पब्लिक में अपनी पसंद का गुल छांट रहे होते हैं। कोई अच्छा मिली है तो मैं टिक गए। पान भी बहुत खाते हैं ना मेहदी हसन साहब। गुलों में बाज दफा इतना पान खा लेते हैं स्पीकरों में से गजल के बजाय कथा निकल रहा होता है।